तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल अनबाउंड गेम्स। यार आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट बट इन लाइव शील एसएमपी। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग फुल डायमंड आर्मर में कन्वर्ट हो चुके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा बेस बनाया जहाँ पर हम लोगों ने अपना सारा सामान यहाँ पर रख दिया है एंड बचे हुए आयरन का मैंने स्मेल्टिंग में लगा दिया है। बट यार हम लोग कब तक केव में छुप छुप के रहेंगे, दैट्स व्हाई मैंने सोचा है कि इस वीडियो में हम लोग अपना एक छोटा सा बेस बनाएंगे जहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ओपी आइटम्स रखने वाले हैं। एंड जब हम लोग माइनिंग करके आगे आए तो हम लोग को सामने एक ओशियन मॉन्यूमेंट भी दिख चुका था, बट मैं ओशियन मॉन्यूमेंट के पास नहीं गया क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा था। तो अभी के लिए मैं एसएमपी के स्पॉन पॉइंट में आ चुका हूँ जगह खोजने के लिए जहां पर मुझे अपना घर बनाना है। और अगर आप लोग को लाइफ राइट एसएमपी की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक एम तो 12,700 लाइक्स कर देना प्लीज। और जब मैं अपना इंट्रो ले ही रहा था सामने मेरे पास फिनटेक्स गेमिंग आ चुका था। बट ये ट्रैप क्यों कर रहा है मुझे? अबे तेरी ऐसे की तेरी मार रहा है मेरे को ट्रैप करके। मैं नहीं छोड़ने वाला भाई इसको, मेरे से पंगा ले लिया इसने। ये बंदा मुझे कॉबवेब से फंसा रहा है भाई। वाटर बकेट मैं यूज कर लूंगा। ये तो भाग गया भाई। खैर इसको जाने देते हैं हम लोग। तो मैं एसएमपी में ऐसे ही घूम रहा था तो मेरे को सामने एक टावर दिखता है भाई, क्या है वो? तो पास आके देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दान पेटी। भाई दान पेटी कौन बनाता है एसएमपी में? मिस्टर एरर, चोरी करने वाला तेरा मुंह काला लोल। चेस्ट में ऐसा भी क्या है भाई? डायमंड्स। भाई ले लेते हैं इसको। और ये साइन बोर्ड को तोड़ दो भाई, कुछ नहीं था यहाँ पर, मैं चलता हूँ। तो ये जगह मुझे बहुत ज्यादा सही लग रहा है अपना घर बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर सनसेट होना शुरू हो चुका है, अभी के लिए मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। और यहाँ पर हम लोग चेस्ट रखने के बाद अपना सारा फालतू का सामान इस चेस्ट अंदर डाल देंगे। तो गाइस घर बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा सामान का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग एक एक करके सारा सामान को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। और अब मुझे बहुत ज्यादा कॉबल स्टोन चाहिए होगा यहाँ से। अभी मैं स्प्रूस विलेज में हूँ, थोड़े से स्प्रूस के वुड निकालने के लिए। और ये भी एक नल्ला विलेज था भाई, यहाँ पर कुछ भी चेस्ट के अंदर कोई अच्छे आइटम्स थे ही नहीं। और उस विलेज के बगल में बहुत ज्यादा सैंड मेरे को मिल चुका था, तो यहाँ से हम लोग सैंड भी ले लेंगे। और जो सैंड मैंने लाया था उसको हम लोग ग्लास में कन्वर्ट कर देंगे फर्नेस की हेल्प से। घर बनाने के लिए हम लोग को एक बहुत बड़ा फ्लैट एरिया का जरूरत था, बट ये बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह था। हमारी पब्लिक एसएमपी में एक इंचेंटिंग टेबल था जिसको सब लोग यूज कर सकते थे, तो मैंने उसको यूज किया और अपने सेवल में थोड़ा सा इंचेंटमेंट लगा लिया। और फिर मैं काम पर लग गया अपने एरिया को फ्लैट करने के लिए। और फिर एक दो घंटे मेहनत करने के बाद मैंने पूरा एरिया को फ्लैट तो कर दिया था, बट मेरा सवल भी इसमें टूट गया। अरे अभी करे ने मुझको नेदराइट स्क्रैप दिया है भाई, सॉरी ब्रो, बट मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद कदम पे लाऊंगा। यार पता नहीं है किसका फार्म है, बट मुझे खाना का बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं यहाँ से वीट ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं सीड भी लगा देता हूँ। और इस चेस्ट के अंदर मैंने सारा सामान रख दिया जो मुझे जरूरत पड़ेगा अपना घर बनाने के लिए। और अगर कुछ कम पड़ता तो मैं दोबारा ले आऊंगा, मुझको कोऑर्डिनेट्स याद है सारे जगह के। तो सबसे पहले मैंने अपने घर का एक बाउंड्री बना दिया जहाँ पर मेरा घर आएगा, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ घर बनाने के बाद। तो भाई लगभग घंटों मेहनत के बाद फाइनली मेरा घर बन चुका है भाई, एंजॉय द सिनेमैटिक। तो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वाली वीडियो में हम लोगों ने अपना प्यारा सा एक बेस बना दिया है लाइफक्राफ्ट एसएमपी के अंदर। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पर लाइक करना मत भूलना।